इसलिए दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने दो सिलसिले जारी कर रखे हैं, एक खैर का सिलसिला और एक शर का सिलसिला। और दुनिया में जो भी चीज़ अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा की है उसमें खैर और शर के दोनों पहलू रखे हैं, सिवाय अंबिया और मलाइका की ज़वात के कि वहाँ खैर ही खैर है, वहाँ शर का कोई शायबा नहीं है, सिवाय इबलीस और शयातीन की ज़वात के कि वहाँ शर ही शर है, वहाँ खैर का कोई शायबा नहीं है। उसके अलावा हर चीज़ में अल्लाह तबारक व ताला ने खैर और शर के दोनों पहलू रखे हैं। चुनांचे आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर हम खाना पीना करते हैं, खाना पीना हमारी ज़िंदगी की बका का ज़रिया है, लेकिन बस औकात यही खाना इंसान की हलाकत का बायस बन जाता है। पानी इंसान की बका का ज़रिया है, यही पानी सैलाब और तुग़यानी की शक्ल में आता तो हलाकत की सूरत बन जाता है। आग के ज़रिए से इंसान सुबह शाम बेनिफिट हासिल करता है, सारी नेमतों के मुनाफे आग की वजह से हासिल करता है, सारी नेमतों की लज्जतें आग की वजह से हासिल करता है, लेकिन यही आग अगर इंसान पर गिरे तो उसको हलाक कर देती है। तो गोया कि दुनिया की किसी भी चीज़ का तजिया कर लें कि वो चीज़ें बज़ाहिर इंसान की बका का ज़रिया नज़र आती हैं, लेकिन अजीब बात यह कि वही चीज़ किसी दूसरे पहलू से इंसान की हलाकत का बायस भी बन जाती है। तो खैर और शर के दोनों पहलू अल्लाह तबारक व ताला ने हर चीज़ में रखे हैं, और अजीब बात यह कि शर हर चीज़ की घुटी के अंदर रखा है, उसके बातिन के अंदर रखा है, और खैर बाहर से लानी पड़ती है। खैर बाहर से लानी पड़ती है, शर हर चीज़ की घुटी के अंदर मौजूद होता है। मसलन आप खाना देखते हैं, आपके दस्तरखान पे बड़ा खुशबूदार खुशनुमा लजीज खाना नज़र आता है, उस खाने की खैर उसकी खुशनुमाई है, उसकी खूबसूरती है, उसकी लज्जत उसकी खैर है। और इसका शर यह है कि ये इसके अंदर ताफुन पैदा हो जाए, बदबूदार हो जाए, ये सड़ जाए तो ये उसका शर है। ये शर उसकी घुट्टी के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी खैर को कायम रखने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। आप उस खाने को ठंडी जगह रखेंगे, आप खाने को हवादार रखेंगे ताकि इसकी खुशनुमाई इसकी खुशजायकी की कायम रहे, तो उसकी खैर को कायम रखने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन खाने को सड़ाने के लिए आपको किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं, आप खैर की मेहनत को रोक दीजिए, वो खाना खुद ब खुद सड़ जाएगा, उसके अंदर की छुपी हुई जो शर थी वो खुद जाहिर हो जाएगी, उसके अंदर से ताफुन यहाँ तक कि उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कीड़े पैदा करने के लिए आपने क्या डाला था, तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं डाला। तो फिर कीड़े कैसे पैदा हुए? कहा कि कीड़ों को रोकने की जो खैर की मेहनत थी वो मैंने रोक दी, इसके अंदर ही ये शर मौजूद था, वो शर इसके अंदर जाहिर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से एक बागीचा है, उस बागीचे की खैर यह है कि वो खुशनुमा नजर आता है, सरसब्जो शादाब नजर आता है, ये उसकी खैर है। लेकिन उसको उजाड़ने के लिए आपको किसी मेहनत की जरूरत नहीं है, आप उसको मुनासिब रोशनी न दें, उसमें पानी ना डालें, उसमें खाद ना डालें, वो बागीचा आपका सड़ जाएगा, यहाँ तक कि फूलों के पत्ते स्याह हो जाएंगे, हरे भरे शादाब जो पौधे थे वो सड़ जाएंगे। अब अगर आपको कोई पूछे कि उसको सड़ाने के लिए, इस बागीचे को उजाड़ने के लिए आपने कौन सी खाद डाली है, तो आप यही कहेंगे कि नहीं, इसकी खैर को कायम रखने की जो मेहनत थी वो मैंने रोक दी, इसके अंदर का छुपा हुआ जो उजाड़पन था खुद जाहिर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से खूबसूरत महल है, खूबसूरत इमारत है, इसकी खैर यह है कि उसका पेंट है, उसकी जो है उसकी छतें हैं, उसकी एक एक चीज़ खुशनुमा और खूबसूरत नजर आती हों। इसको कायम रखने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है, आप उसकी जो है वह हर महीने हर अरसे के बाद उसकी देखभाल करते हैं, उसके पेंट को दुरुस्त करते हैं, उसके प्लास्टर को दुरुस्त करते हैं, लेकिन उसको उजाड़ने और वीरान खंडर बनाने के लिए आपको किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं। आप इसकी खैर की जितनी मेहनत रोक दें वो खुद ब खुद उजड़ जाएगा, यहाँ तक कि उसका जो पेड़ गिरेगा, उसका सीमट गिरेगा, ईंटे गिरेंगी, वह खंडर बन जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसको खंडर बनाने के लिए आपने क्या मेहनत की है, आप कहेंगे नहीं, इसको खुशनुमा रखने की जितनी मेहनत थी वो मैंने रोक दी, क्योंकि खैर की मेहनत रोक दी तो इसका जो खंडरपन अंदर छुपा हुआ था खुद ब खुद जाहिर हो गया।
बिल्कुल इसी तरीके से इंसान भी दुनिया की एक चीज है, इसमें भी अल्लाह तबारक व ताला ने खैर और शर के दोनों पहलू रखे हैं। इसलिए कुरान करीम में फरमाया कि कसम खाते हुए अल्लाह फरमा रहे वनफसी वमा सव्वाहा फअलहमा फुजूरहा व तक्वाहा, कि ये इंसान जो है इसके नफ्स उसको ठीक ठीक बनाने की मैं कसम खाता हूं, उससे पहले भी कसमें खाते आ रहे हैं। फरमाया फअलहमा फुजूरहा व तक्वाहा, कि इस इंसान के नफ्स को फजूर का इल्हाम किया यानी गुनाह करने का तरीका सिखाया, फिर उसके बाद फरमाया कि वह तकवा, अब उसको तकवा सिखाया। तो गोया कि उसकी घुट्टी के अंदर पहले शर को डाला है, पहले मासियत और गुनाह को और फजूर को डाला, उसके बाद तकवे की तालीम दी। तो गोया कि इंसान की घुट्टी के अंदर भी शर मौजूद है, उसको खैर देने के लिए जाहिर से तकवे की मेहनत करनी पड़ती है।